दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर यदि आप अब्दू रोजिक शिव ठाकरे और स्टैन की मस्ती को देखेंगे तो आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों टास्क घर के अंदर कुछ ही समय में होने वाला है, लेकिन इसके लिए बिग बॉस ने गार्डन एरिया की ब्लाइंड्स को ऑफ कर रखा है क्योंकि घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क के सेटअप को तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों इस टास्क से पहले घर के जो ज़्यादातर कंटेस्टेंट है वो कैप्टनसी रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पर शिव ठाकरे वगैरह मिलकर अब्दू के साथ मस्ती कर रहे हैं। दरअसल अब्दू रोजिक और एमसी स्टैन ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो शिव ठाकरे की कंबल कुटाई करेंगे, यानी कि शिव ठाकरे को ब्लैंकेट में बंद करके उसको जोर जोर से मारेंगे। लेकिन दोस्तों शिव इससे बचने के लिए वहीं पर पड़े एक पिलो को उठा लिया और अब्दू की तरफ जोर से मार दिया। लेकिन दोस्तों वो पिलो अब्दू को कुछ गलत जगह पर लग गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब्दू को कहाँ पर लग गया, जिसकी वजह से अब्दू पहले तो दर्द से तड़प उठे, लेकिन इसके बाद में अब्दू ने जोर जोर से हंसते हुए कह दिया कि अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। आपके इस मुद्दे पर क्या है कि ना, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।